फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज की पोयम है दोस्तों द सोवर, जो कि क्लास 11 की पोयम है। द सोवर, जिसे लिखा था विक्टर मारे ह्यूगो ने। क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड की यह पोयम है। इसमें विक्टर ने यह दिखाया है कि कैसे एक किसान वो अपने खेत में पूरे दिन में क्या करता है और क्या क्या वो काम करता है। तो आइए पोयम को डिटेल में जानते हैं। सिटिंग इन अ पोर्चुकुल, यानी पोएट जो है वो बैठे हुए हैं एक जगह पे जहाँ पे उन्हें ठंडक मिल रही है। और वो ठंडक क्यों है? क्योंकि जो सन का लाइट है वो फेड हो रहा है, यानी धुंधला हो रहा है, और वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। ट्यूबलाइट हस्टिंग ऑन द रोड, यानी कि शाम आ रही है और सारे जो वर्किंग मैन थे, आवर्स जो था उनका, वो खत्म हो गया है। यहाँ पे पोएट जो है एक खेत में बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है और वर्किंग आवर कहने का मतलब है कि जो फार्मर्स हैं वो काम करके जा चुके हैं और खेत में उन्हें काफी ज्यादा ठंडक मिल रही है क्योंकि शाम का वक्त हो गया है और सूरज जो है वो ढल गया है। अब अचानक पोएट को दूर से किसी की परछाई दिखती है। तब वो देखते हैं कि सभी तो चले गए लेकिन एक सोवर अभी भी वहां पे है। सोवर का अर्थ होता है दोस्तों वो फार्मर जो धान बो रहा है, या फिर कह लीजिए कोई ग्रेन हो गया वो बो रहा है, तो उसको सोवर कहते हैं। ओल्ड इन रैंक्स, अब पोएट उसके कपड़ों के बारे में कहते हैं कि वो काफी ज्यादा पुराने और फटे हुए हैं। रैंक मतलब फटा हुआ। ही पेटेंट स्टैंड, यानी वो अभी भी पेशेंस के साथ खड़ा है। और पोएट को यह देखकर फील हो रहा है क्या थ्रिल, कि अभी भी फार्मर खड़ा है। ब्लैक एंड हाई, काला है और लंबा है, क्या है इसका परछाई? वो फार्मर की जो परछाई है शाम के वक्त काली और लंबी लग रही है, जैसा कि सबका होता है। और इसने जो धान है वो काफी डीप में रख दिया है, यानी गाड़ दिया है। सून सैल कम, अब उसने जो डीप में डाला है उसका जो टास्क है वो सेट हो चुका है, कि जहाँ पे उसे धान बोना था उसने वहाँ बो दिया है। अब टाइम जब होगा तो वो उसको आएगा, जब वो उग जाएगा तो उसको काट देगा। तब क्या है, उसका एक टास्क है जो कि सेट है। Is he along? Marches का मतलब हो गया जैसे डांडी मार्च ना, गांधी जी चले थे, उसी तरह मार्चेस कर रहा है, यानी कि फार्मर भी चल रहा है। कहां पे चल रहा है? तो प्लेन में, जहां उसका खेत है उसके इर्द गिर्द चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि उसे स्कैटर वाइड में फैलाना है किस चीज को, जो वो फेंक रहा है। और क्या वो फेंक रहा है? तो अपने हाथों से ग्रेन्स फेंक रहा है अपने खेत में। और पोएट जो है उसे एकटक देखे जा रहे हैं, पोएट उसे एकटक देखते हैं। और वो फार्मर जो है अपना काम कर रहा है, वो अपने खेतों में चल रहा है और दूर दूर तक फैला रहा है उस ग्रेन्स को। एकटक जब पोएट उसे देखते रहते हैं तो उनके आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है, मतलब वो मूडी हो जाते हैं। डार्कनेस डीप गॉन द लाइट, डार्कनेस यानी कि अंधेरा हो चुका है और जो लाइट है वो चली गई, यानी अब शाम ढल गई और रात आ गया है। और इस वजह से पोएट को कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरगस्ट एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, और उसकी जो ऊंचाई थी लगती है अब आसमानों तक चली गई है। पोएट यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो मेरे सामने जो किसान खड़ा था वो डार्कनेस से छिप गया है, तो हो सकता है उसकी जो परछाई है उसका हाइट बहुत बढ़ गया होगा और वो क्या टच कर दी होगी? आसमान को। इस लाइन में पोएट का बहुत डीप मीनिंग है कि कैसे किसान जो है हमारे लिए इतना कर दिया कि वो एक भगवान का फरिश्ता की जैसे था और उसका शैडो भी भगवान तक पहुंच गया। और ये थी पोयम आपकी दोस्तों द सोवर। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।